प्यारे बच्चों, आपके द्वारा कमेंट के माध्यम से एक और सवाल पूछा गया। इस सवाल को कैसे हल करेंगे, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, आप सभी सवाल को पढ़ लीजिए। सवाल में है, 60 किलोमीटर की दूरी को कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। सही समय पर पहुंचने के लिए चाल क्या होगी? ये आपने जैसा टाइप करके भेजा था उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शन है, अब इसका उत्तर क्या होगा? तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई यहाँ पर व्यक्ति है ना भैया, कोई व्यक्ति है, ये जो है 60 किलोमीटर की दूरी को, अर्थात यहां से लेकर यहां तक दूरी है, मान लो ये जो दूरी है इसकी जो लंबाई है 60 किलोमीटर, कितना है 60 किलोमीटर, है ना भाई, इसको जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, के एम प्रति आवर, ठीक है, तो ये होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होता है, जितना समय उसको पहुंचना था उससे वो जो है 10 मिनट पहले पहुंचता है, क्लियर है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो अगर उसको फिक्स टाइम में पहुंचना होता, 10 मिनट पहले का मतलब देखिए, मान लीजिए वहां उसको 10 बजे पहुंचना था, मान लीजिए 10 बजे पहुंचना था, लेकिन जब वो 90 की स्पीड से गया तो 9:50 को ही पहुंच गया था, 10 बजे में 10 मिनट कम था, उस समय पहुंच गया। अगर उसको ठीक 10 बजे पहुंचना होता था, नियत समय में पहुंचना होता, तो उसकी स्पीड क्या थी? तो सबसे पहले क्या करना, ये चाल दिया है और यहाँ पर क्या दिया गया है, दूरी दिया गया है। तो इस आधार पर सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको एक्चुअल में कितना समय लगा। तो इसके लिए हम समय का सूत्र लगाएंगे, याद नहीं है मुझे तो कैसे करेंगे, एक सूत्र तो याद है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये सूत्र हमको याद है। तो इसी आधार पे हम क्या करेंगे, समय का सूत्र बना देंगे, समय को यहाँ लिख देंगे, चाल को यहाँ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूरी कितना है 60 किलोमीटर और समय कितना है, सॉरी चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा घंटा में। तो यहाँ पर देखिए ये 1 शून्य यहाँ कट गया, 1 शून्य यहाँ कट गया, ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 2 बटा 3 घंटा। तो 2 बटा 3 घंटा, इसका मतलब इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 बीसम 60, इस प्रकार से 20 दूनी 40 मिनट, कितना हो जाएगा 40 मिनट। अब वो जो है 40 मिनट में पहुंच रहा है, तो 40 मिनट में पहुंच रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिक्स टाइम पहुंचने के लिए जो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था उसको अब कितना पहुंचना पड़ेगा, 10 मिनट इसमें और जोड़ दो, तो अब उसको जो है 50 मिनट में इस रास्ता को तय करना है, कितना रास्ता को, ये 60 किलोमीटर की दूरी को, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या पता करना पड़ेगा, चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी कितना है 60 किलोमीटर और समय कितना है यहाँ पर 50 मिनट, अर्थात इसका मतलब क्या होगा, 50 बटा 60 घंटा, होगा कि नहीं होगा, अभी हो जाएगा 60 बटा 1 गुणा 60 बटा 50, ठीक है, ये जो यहाँ पर है इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। अब 1 शून्य यहाँ कट गया, 1 शून्य यहाँ कट गया, 5 एकम 5, ये 12 पंचे 60, 12 गुणा 6 बराबर 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल होगी। आपको ये निश्चित तौर पे समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार के डाउट होगा तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नमस्कार।